अगली खबर में बात करते हैं रीवा जिले की, जहां मध्य प्रदेश में प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले साले खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन देव तालाब में किया जा रहा है। खेल कूद प्रतियोगिता का समापन आगामी 23 नवंबर को होगा। देव तालाब में आयोजित होने वाली 3 दिवसीय खेल कूद प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के सभी संभागों में करीब 1,000 प्रतिभागी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने देव तालाब पहुंचकर तमाम तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को उचित प्रबंधन के लिए निर्देशित किया। बैठक के दौरान प्रमुख रूप से मऊगंज के SDM AP द्विवेदी मौजूद रहे, जिन्होंने आयोजन को लेकर तमाम तरह की तैयारियां पूरी होने की बात कही है। आयोजन स्थल पहुंचे पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष राहुल गौतम ने कहा कि अगर प्रतिभाओं को उचित मंच मिले तो देव तालाब के स्टेडियम में भी विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर पैदा हो सकते हैं। आइए दिखाते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां और सुनाते हैं राहुल गौतम ने क्या संदेश दिया है। लेकिन अब अवस्था नहीं फैला रही। उसी प्रकार से हमारे बच्चे जिनको 5 रुपए मैच देखना है, राज्य स्तरीय साले प्रतियोगिता का शुरुआत की गई है माननीय जी और ये तमाम सब प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा मध्य प्रदेश से, और ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि हमारी विधानसभा क्षेत्र देवतलाव में इसका आयोजन बड़े गौरवपूर्ण और गरिमामय उपस्थिति में माननीय जी के, प्रशासनिक अधिकारियों के और विभिन्न संभाग के खेल प्रेमियों के साथ विभिन्न संभाग के खिलाड़ी आए हैं, और हम पुरजोर इस बात का प्रयास करेंगे कि हमारी सेवा में उन नए खिलाड़ी साथियों को कोई कमी न होने पाए। क्या संदेश देना चाहें सर खिलाड़ियों के लिए? प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है। कोई एक चिन्हित स्टेडियम ही सचिन तेंदुलकर नहीं पैदा करता है। यदि संसाधनों की कमी की वजह से यदि हम वंचित रह जाते हैं, और उन संसाधनों की उपलब्धता यदि ग्रामीण अंचल में भी अगर दी जाए, तो सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली को देवतालाब की धरती पर भी पैदा किया जा सकता है, ऐसा मेरा संदेश है। और साथ ही साथ खिलाड़ियों को इस बात का संदेश है कि हार जीत की परवाह न करते हुए अपनी उच्च श्रेणी की कौशल को वो प्रदर्शित करें, ताकि खेल प्रेमी भी आनंद ले सके और उनका भी शरीर स्वस्थ रहे। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।